हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों और जाकर जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों के पास मेरे आने वाली तमाम की तमाम वीडियोस इजीली पहुंच सके। सो आज है हमारी फ्रेंड की तरफ डिनर, सो उसके लिए रेडी हो रही हूँ। आज मैं हमेशा ही सोचती हूँ कि मैं जल्दी तैयार हो जाऊँगी, बिकॉज स्पेशल को सबसे ज़्यादा चिड़ मेरी एक ही इसी हरकत से है। ऑफ कोर्स और भी हरकतों से है, लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ उनको मेरी इसी हरकत से है कि जो मैं लेट हो जाती हूँ। मेरे टाइम देके जाएंगे और मैं यूजुअली उससे आधा घंटा 10 मिनट लेट ही रहूँगी। सो मैं इतनी कोशिश करती हूँ हमेशा कि आज मैं इनको खुश कर दूँगी, वो आए होंगे तो मैं तैयार हुई होंगी। मेरी लातदाद कोशिशों के बाद भी मैं टाइमली नहीं तैयार हो सकती, तो आज मैंने इनको काम नहीं किया। जब तक मैं कॉल ना करूँ आपने आना नहीं है, मैं कॉल करूँगी दिन आइएगा, वो आ जाते हैं, सर पे सवार हो जाते हैं, यार चलो चलो चलो, मैंने आपको कब से कहा हुआ था, कब से कहा हुआ था। सो मैं क्या थोड़ी रूटीन चेंज करती हूँ ताकि थोड़ा लगे कि हाँ हाँ, अगर वो आ भी जाएंगे तो लिपस्टिक लगाई तो निकल जाऊँगी, ताकि डांट खाने की मेरे दूर दूर तक कोई प्रोग्राम नहीं है। सो अब मैंने क्या किया है कि ब्लो ड्राई करके बालों को कर लिया है खुश। कभी मैं क्या बालों को करने वाली हूँ मुझे भी नहीं पता। और अभी मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कर लेती हूँ बेस, उसके बाद मैं कर लूँगी बाल, और फिर अगर वो आ भी जाते हैं इन केस तो लिपस्टिक लगा के निकल जाऊँगी, ताकि मुझे कहना ना पड़े कि हाँ थोड़ा सा टाइम मुझे और चाहिए। लेकिन सी कि मेरी बेस हो चुकी है, जितना मैंने बेस को करना था वो सब कर लिया है, और अब मैं जाऊँगी हेयर स्टाइलिंग की तरफ, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है हेयर स्टाइलिंग अगर आप कर लेते हो फिर मेकअप करते हो तो बहुत वीक हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ हेयर स्टाइलिंग करूँ फटाफट, और फिर उसके बाद जो है वो आई और लिप करूँ, और फिर चेंज करके आई विल बी डन। सो मिलते हैं आपसे स्टाइलिंग के बाद। तो मेरे हेयर स्टाइल हो गया है डन, आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब ऐसे ऐसे आपकी लुक चेंज हो रहा थी। अभी मेकअप उतना ही था जितना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे बाल बनाती, लुक उसने कितनी चेंज करती है। सो मैं जल्दी से भागूंगी और जाके आईज की तरफ जाऊंगी, और साथ ही लिप कलर लगा के चेंज करके देन आई विल कॉल हिम कि आ जाएँ और ले जाएँ। उनके साथ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा मेकअप के अंदर शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जब आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकें तो आपको पता चले कि आप वही चीज़ यूज़ करके उसको कितना इन्हांस कर सकते हैं। सो मैंने रिसेंटली यहाँ पर गई हुई थी वेल्स पे, वो यहाँ पर एक फार्मेसी है जहाँ पर मेकअप हर ब्रांड का होता है, तो वहाँ से मैंने लिया ब्लैक तो मेरे पास था केक लाइनर, और ये बेस्टेस्ट लाइनर है, इससे ज़्यादा अच्छा लाइनर मैंने नहीं देखा कभी। सो मुझे चाहिए थी ब्राउन पेंसिल। हम रिसेंटली शॉपिंग करने गए थे जिसका ब्लॉग मैंने अपलोड किया था, मैं वहाँ पर भी ढूंढ रही थी, एक लड़की ने लगाई थी वहीं की सैलड गर्ल थी तो उसने लगाई थी, तो मुझे उसके आइज़ पे बहुत खूबसूरत लगी, तो आई थॉट कि मुझे ब्राउन की तरफ थोड़ा निकलना चाहिए। सो मैंने ब्राउन परचेज वहाँ से तो नहीं की, वेल्स पे गए थे वहाँ से की, और आप ये देख सकते हैं इसने कितना खूबसूरत, ये मैं हैरान, ये अगर मैं स्मोकी बनाने लगती ना आई तो ये मुझे स्मज लाइनर बनाने में तकरीबन 15 मिनट तो कहीं नहीं जाने थे। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको खोला, ये पेंसिल की तरह है, इसको खोला, इसको नीचे ऐसे करके लगाया बाहर की तरफ, इनर नहीं बाहर की तरफ, और इसी तरह ऐसे ऊपर करके एक लाइन लगा दी। और इसको लगाने के बाद अब आपने करना क्या है, उसको इस तरह ब्लेंड करना है जिसकी वजह से आपका स्मज लाइनर, अब आप ये देख सकते हैं आप अपनी चीज़ को इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लुक फ्रीजी नज़र आ रही है, ये पहले चलती थी अब नहीं। तो आपने इसको स्मज करने के लिए क्या करना है कि कोई भी आपके पास ब्राउन शेड हो तो आपने उस ब्राउन शेड को लेना है ब्रश के ऊपर, और उसको पकड़ के पहले नीचे की तरफ आपने ब्लेंड करना है। ये इतनी क्रीमी होती है ना आपके पास कि आराम से कौन से जो है ब्लेंड हो जाती है। ये बहुत मज़े का प्रोसेस लगता है, मुझे तो आई मेकअप करना बहुत ही अच्छा लगता है। और अब आपने यही चीज़ पकड़ के ऊपर की तरफ ब्लेंड करनी है। ये लाइनर लगाने से ज़्यादा कम रिस्की होता है, इसकी रीज़न ये है क्योंकि लाइनर में तो फैल गए सो गए, ब्लेंडिंग के प्रोसेस पे अगर आपको खुद पे हो कौन, सो ये पकड़ कर आपने ऐसे ही जो है ब्लेंडिंग करते जाना है, ताकि और एज बनाने के लिए, अब आपने देखा था मैंने लाइनर एज में नहीं लगाया था, मैंने सिंपल लगाया था, तो ये एज किस तरह बना, आपने अपनी इस आई को इस तरह करना है, इसको बंद करना है और इसी को ब्लेंड करते हुए फैला देना है। जी लिपस्टिक वगैरह मैंने लगा ली है, सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, और अब मैं बस चेंज करूँगी बिकॉज मैंने इनको कॉल कर दिया कि आप आ जाएं, और मैं बस चेंज करना है तो निकलेंगे, बिकॉज 8:10 हो चुके हैं और 8 बजे की टाइमिंग थी, 7:30 से 8 की टाइमिंग थी, तो बस चेंज करते हैं इंशाल्लाह जो है वो निकलने की बात। एक और चीज़, एक और टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जब भी आप रेड कलर का ड्रेस पहने, लाइक मेरा आज का ड्रेस है, इट्स
इट्स माई आउटफिट ऑफ द डे. आज मैं लाल लाल जोड़े के अंदर जाऊंगी. जस्ट किडिंग. सो इट्स माई आउटफिट ऑफ द डे कि मुझे पहला गिफ्ट मिला था अपने हस्बैंड की साइड से निकाह के बाद फॉर बींग अ हस्बैंड. और आई लव एथनिक वर्क. बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक होता है. मैं ये मानती हूँ. अभी देखें दोनों फेसेस में कितना फ़र्क लग रहा है. मैंने इस तरह लिया हुआ है तो ऐसा फेस है. जैसे ऐसे करो तो कैसे इनहेंस होने लग जाता है चीज़ें. तो कलर बहुत मैटर करता है आपके फेस कॉम्प्लेक्शन. सो जी आई गॉट रेडी. और मैं सोच रही हूँ कि इनके साथ एयर रिंग्स नहीं पहनते बिकॉज ऑलरेडी मैंने इसको पहना हुआ है. इसको पहना हुआ है. सो मैं सोच रही हूँ कि इयर रिंग्स जो हैं वो अवॉइड कर लेते हैं बिकॉज वैसे तो जब भी आप स्लीक हेयर स्टाइल करें तो प्लीज़ जो भी आपके पास लंबे लंबे बूंदे हो ना आपने वो लाजमी पहनने हैं. वो बहुत खूबसूरत लगते हैं. मैं भी पहनूंगी बहुत खूबसूरत लगेगा लेकिन ड्रेस के साथ मौके की मुनासिबत के साथ आई एम थिंकिंग कि नहीं मुझे नहीं कैरी करना चाहिए बिकॉज इसके ऊपर मिरर वर्क हुआ हुआ है. लिटिल बिट धागे के साथ मिरर वर्क नीचे भी हुआ है. सो आई जस्ट वांटेड टू क्विट. सो होप सो कि अच्छी लग रही होंगी. सो अब मैं इनको वेट कर रही हूँ. वो आएंगे तो फिर हम निकलेंगे. और क्योंकि यहाँ पे मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो गया है सो मुझे नहीं लगता मुझे किसी तरह का स्वेटर वगैरह यहाँ कुछ चेंज करना चाहिए. मैंने सुना है पाकिस्तान में बहुत स्पीडली जो है मौसम चेंज हो रहा है. गर्मियाँ शर्मियाँ आ गई हैं. पंखे शंखे चल गए हैं. ब्लैंकेट्स हो गए हैं बंद. चले गए हैं टैचियों में. सो अल्लाह ताला बस करम करें क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर अभी ये सीन है पाकिस्तान का तो जून जुलाई में क्या होने वाला है. सो अभी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है पीक लेवल की. आजकल मुझे भूख इंतहा की लगती है. इंतहा की और बगैर किसी टाइम लग जाती है. बैठे बैठे मैं कहूँगी एक सेकंड पहले यार मुझे भूख नहीं लगी है. फिर मैं दो मिनट के बाद कहूँगी बहुत स्वेर भूख लग गई है. थोड़ा सा रेड कलर यू नो शादीशुदा लाइफ ज़रा होना चाहिए. लाल लाल जोड़ा तो वैसे कुछ. तो उनको मैंने कॉल किया. वो कह रहे हैं कि वो भी थोड़ा सा बिजी हैं थोड़े टाइम तक आएंगे. मेरी भूख से निकल रही थी जान. तो मैंने कहा चलो लास्ट के पोर्शन. मुझे कुछ हो रहा था. मैंने कहा लास्ट के पोर्शन के थोड़े से लेस बचे हैं वो खा लेती हूँ. थोड़ा सुकून मिलेगा. अच्छा मैं करती क्या हूँ कि ये कपड़े ड्राई करने की बजाय सारे के सारे क्लिप्स तकरीबन 75 क्लिप्स मेरे स्नैक्स के ऊपर ही लगे होते हैं. हर स्नैक्स के एक कान यहाँ होता है एक यहाँ होता है ताकि वो सिल ना जाए. तो ये कभी कभी हंसते हैं होते हैं कहते हैं यार कभी मैंने नहीं देखा ये कपड़ों लगे हूँ. हमेशा आपकी स्नैक्स की वो जो एक बाड़ी सी बनी हुई ना वहां पर सारे पड़े होते हैं. और जब तक 5 क्लास की बच्ची को खड़ा किया हो फिलिंग वाली मिर्चें किसके लिए हैं? ये अचार गोश्त के लिए. ओह ओके. आपने ये टेस्ट जरूर करनी है. वेरी नाइस. जरूर एक दो साथ चॉकलेट्स भी रख दीजिएगा ताकि आंसू जो है कवर हो सके. मेजबान टोटली मसरूफ हैं खाना सर्विंग में. मजे का था ना इसलिए कॉक पीने को दिल कर नहीं. अब वापसी पे जाते हुए देखेंगे कोई कॉक शॉप. अब जाने तो नहीं करनी. कहाँ जाने देते हैं? क्यों कुछ एक घंटा रुक जाए. पाकिस्तान के मेजबान होते हैं देख रहे होते हैं यार कब जाएंगे मेहमान कब जाएंगे यहाँ के. कह रहे थोड़ा सा रुक जाए. ये सारी की सारी चॉकलेट्स मुझे मिली हैं. अच्छा पता है क्या मैं भी नहीं हूँ लेकिन जो मज़ा इनका है ना छोटी छोटी का वन बाइट वो वैसा मज़ा नहीं है. और ये एक्चुअली दिखने में बहुत क्यूट लगती है. तो इस तरह